अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस बुशरा। आज हम उर्दू रिटन में सीन शीन स्वाद स्वाद की आदि शक्ल लिखना सीखेंगे। उर्दू बुक में हम बे पढ़ेंगे और उर्दू ओरल में हम परिंदों के नाम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन, सबसे पहले हमें राइट करनी है सीन की आदि शक्ल, जो कि हम टू लाइंस में राइट करेंगे, सेंटर टू लाइंस में राइट करेंगे। सीन के थ्री डॉट्स इस तरह लगाकर हमने फर्स्ट डॉट को सेकंड डॉट के साथ ज्वाइन करना है, फिर सेकंड डॉट को थर्ड डॉट के साथ ज्वाइन करेंगे, तो सीन के शोशे इस तरह से बन जाएंगे, जिस तरह मैंने यहाँ राइट किया है। उसके बाद आपने थर्ड लाइन थर्ड डॉट से आपने एक स्मॉल स्ट्रेट लाइन लेनी है, जो कि हमारी थर्ड लाइन तक ड्रॉ होगी। इसके बाद आपने शीन राइट करना है, शीन भी आपने इसी तरह राइट कर लेना है, फर्स्ट डॉट को सेकंड डॉट के साथ और सेकंड डॉट को थर्ड डॉट के साथ ज्वाइन करके शोशे बना लेने हैं। उसके बाद थर्ड डॉट से एक स्मॉल स्ट्रेट लाइन लेनी है, इस तरह हम शीन राइट कर लेंगे और शीन के ऊपर तीन नुक्ते आ जाएंगे। शीन के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं और सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, सीन का कोई नुक्ता नहीं होता और शीन के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। स्वाद के टू डॉट्स इस तरह लगाएंगे पहले हम, उसके बाद फर्स्ट डॉट को सेकंड डॉट के साथ ज्वाइन करके एक कर्व लाइन ले लेंगे और उसके ऊपर एक ओवल की शेप में हम ड्रॉ करेंगे सर्कल, ओवल शेप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन स्मॉल स्ट्रेट लाइन लेंगे, जो कि टू सेंटर टू लाइंस में ही आएगी। इस तरह हमारा स्वाद राइट हो जाएगा। फिर आपने इसी तरह से एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर ओवल शेप ड्रॉ करनी है, देन आपने स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। इसी तरह हम स्वाद भी राइट कर लेंगे, स्वाद के ऊपर एक नुक्ता, स्वाद और स्वाद, स्वाद खाली होता है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, स्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। सीन शीन स्वाद स्वाद, सीन के ऊपर सीन खाली, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, स्वाद स्वाद खाली, स्वाद स्वाद के ऊपर एक नुक्ता। आपने इसको अपनी होमवर्क कॉपीज पे अच्छे से राइट कर लेना है, फॉर्मेशन के साथ और लाइंस में। इसका नेक्स्ट पेज आपने इसके बाद नेक्स्ट पेज आपने इसका होमवर्क करना है। अब हम पढ़ेंगे उर्दू बुक। उर्दू बुक में आज हम पढ़ेंगे बे। पहले हमने अलिफ अलिम मद्दा पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बंदर, बे बस्ता, बे बच्चा, बे बिल्ली, बे बंदर, बे बस्ता, बे बच्चा, बे बिल्ली, बे बंदर, बे बंदर, बे बस्ता, बे बच्चा, बे बिल्ली, बे बच्चा, बे बंदर, बे बस्ता, बे बिल्ली। आपने बुक को अच्छे से लर्न कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे परिंदों के नाम। फर्स्ट लेक्चर में हमने हाफ हाफ करके परिंदों के नाम पढ़े थे, आज हम कंप्लीट परिंदों के नाम पढ़ लेंगे। चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर, मैना। चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर, मैना। चिड़िया को इंग्लिश में स्पैरो कहेंगे, तोते को पैरेट कहेंगे, कौवे को क्रो कहेंगे, कबूतर को हम पिजन कहेंगे और मैना को मैना ही कहेंगे। अगेन रिपीट कर लेते हैं टू टाइम्स। चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर, मैना। चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर, मैना। इस तरह आपने बर्ड्स परिंदों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, आपने आज के हमारे इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और फिर इसका क्विज सॉल्व करना है।
आपने इसका क्विज जरूर सॉल्व करना है। अगर आपको आज के हमारे इस लेक्चर में कुछ समझ ना आए या फिर आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।